अभी दो प्रकार के नोटिस हैं, एक तो वकील का नोटिस और दूसरा कोर्ट का नोटिस। तो कोई पूछ रहा था कि इनमें दोनों में फर्क क्या होता है, तो दोनों का फर्क ये होता है कि वकील का नोटिस में क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी व्यक्ति जो कोई किसी दूसरे के विरुद्ध कोई केस करना चाहता है, या कोई उससे कोई अपना पैसा मांगता है, या कोई और सिविल कार्रवाई उसके विरुद्ध करना चाहता है, तो वो वकील से मिलता है। तो एक वकील कोई कोर्ट केस करने से पहले उसके पास एक लिखित सूचना भेजता है, तो उसे वकील का नोटिस या लीगल नोटिस कहते हैं। उसमें कोई चेतावनी दी जाती है कि ये जो आप के और मेरे क्लाइंट के बीच में कोई बात हुई थी, आप उसको इतने दिन के अंदर उनसे अपना कोई समझौता कर ले या उनका समाधान कर दे, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इसमें साफ बात यह है कि वकील का नोटिस में कोई कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जाती है। दूसरी तरफ कोर्ट नोटिस को समझे तो एक कोर्ट नोटिस जब आपको प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके विरुद्ध कोई केस कोर्ट में फाइल हो चुका है और आप कोर्ट द्वारा आपको नोटिस दिया गया है और आपको जरूरी उस नोटिस का जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा, उस केस को आपको डिफेंड करना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा, अपनी बातें कहनी पड़ेगी। और यदि आप ऐसा करने में असफल रहे, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए या कोर्ट को आप संतुष्ट अपनी बातों से नहीं कर पाए, तो आपके खिलाफ जो केस कोर्ट में डला है, जो कोर्ट का नोटिस आपको मिला है, उस अनुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो ये दोनों फर्क है, एक वकील के नोटिस में और कोर्ट के नोटिस में। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप दूसरों तक भी शेयर कर दें, लाइक जरूर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि ऐसी कानूनी जानकारी आपको आगे भी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का।